नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो बायोलॉजी का पेपर हुआ उसकी आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आया था आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। दूसरा था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर किसका काम किया जाता है, तो थॉमस हंट मॉर्गन का काम किया जाता है। दूसरा है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक है, तो एकल कोशिका प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आया था हमारा, तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो यह इंटरफेस कहलाते हैं। यह हमने वस्तुनिष्ठ पर देखे हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना था हमें। पहला था अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकीय का एक पुंज होता है, तो इसे भ्रूण कोश कहते हैं। दूसरा था डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति कई अधिकता से होता है, तो यह 21वें से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट था कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण, तो यह माइकोराइजा का उदाहरण है। नेक्स्ट आया था इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, तो यह दो श्रृंखलाओं का बना होता है। नेक्स्ट हमारा था वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, तो यह इसका आंसर है एजो एजोटो वैक्टर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक शब्द में से आंसर लिखना है, तो हमारा पहला था पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किस पद्धति में होता है, तो विखंडन पद्धति में होता है। दूसरा था मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो बाई और सूत्र के कारण होता है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बेकर्स यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं, तो यह प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियन एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट आया था ऊर्जा प्रभाव के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का मान होता है, तो यह 90% होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते हैं वीडियो को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी है पहले का आंसर है आ, तो इसका आंसर हो जाता है पुरुष व्यंधकरण। दूसरा वा का आंसर देख लेते हैं, ये इसका आंसर है विग वैग। तीसरा है सा, इसका आंसर है हरित क्रांति। चौथा है दा, इसका आंसर है DNA। और या आखिरी है इसका आंसर है ट्रांसले। तो हमने जो बायोलॉजी का पेपर हुआ उसका आंसर देखे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में बताएं और हम उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।